अच्छा व्यूवर्स, इसको ड्रेस तो पहना दी है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये छोटी है काफी ज्यादा। ये देखिए बस, वो कहना है बिस्किट नहीं देना, बाकी जान मंग लो जान दे दियांगा, बिस्किट नहीं दियांगा। नहीं आप बेटी आप नहीं करो। नहीं, वो है, अरे कुछ लेकिन नहीं होता पप्पू। और अपनी जो छानी है उसको भी मेरा चैनल दिखाओ। मजनू बैठा हुआ है लेला के इंतजार में, और लेला इसको मिली नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय ब्रांड न्यू अनदर व्लॉग। तो आज का जी व्लॉग करते हैं शुरू, और आज सुबह सुबह मैं उठा हूँ, छोटे को स्कूल भी लेके जाना है, और उससे पहले करना है जी नाश्ता। तो नाश्ता हमारा बन चुका है, रात मैं छोटी को लेके आया था। हाय ये गाइस, कैसे हैं? ठीक है? मेरे अबू के चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, फॉलो कर देना, बस सब्सक्राइब कर देना। मुझे तो आता भी नहीं है। अच्छा, तो रात जब इसको मैं लेके आया था तो वालदा ने मुझे दिया था सालन, उन्होंने पकाया था, तो उन्होंने कहा कि मैंने पकाया तो आप भी ले जाओ, मेरे लिए भी रखा था। तो वो रात, क्योंकि हमने रोटी खा ली थी, तो सालन मैंने रख दिया था फ्रिज में। तो खैर, सालन भी हमारा गर्म हो चुका है, करते हैं नाश्ता। नाश्ता करके फिर आपसे मिलते हैं जी। दुश्मनी हो तो भाई साहब ऐसी हो, ये देखें ये यहाँ बैठा हुआ है और ये यहाँ बैठा हुआ है। पहले वो इस तरफ बैठा हुआ था, यहाँ पे इस तरफ, और भाग के उसके पास गया है। अच्छा जी विवश, तो नाश्ता हमने कर लिया है और अभी छोटे को लेके जाएंगे जी स्कूल। तैयार हो? ड्रेस पहनो, जल्दी से ड्रेस पहनो। चलो नाश्ता कर लिया आपने, चलो ड्रेस पहनो 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 पहनो। अच्छा व्यूवर्स, इसको ड्रेस तो पहना दी है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये छोटी है, काफी ज्यादा टाइट हो रही है। आज भी आपका स्कूल मिस हो गया, अब आप मंडे को जाओगे, ठीक है? ये मैं ड्रेस चेंज करवा के, और टाई भी आपको नहीं है, टाई भी लेके आऊँगा उनसे, तो ये ड्रेस एक दो नंबर में बड़ा ले लूँगा उनसे, ठीक है ना? अब ये देखो, आप पैंट भी आपको जो है वो अभी धोने के बाद और छोटी हो जाएगी ये। तो हम जो है ना मंडे के दिन जाएंगे, पीर वाले दिन, ठीक है? और बुक्स वगैरह आपकी सब रेडी हैं? और नहीं, बुक्स रेडी है, कल दिखाया था मैंने व्लॉग में, बुक्स आपकी रेडी हैं, बैग में रख दी हैं, ठीक है? हर चीज़ आपकी रेडी है, बाकी दादी ने आपको जो है वो बोतल और टिफ़िन बॉक्स वो दादी ने ऑर्डर दिया है, तो वो आ जाएंगे, तो फिर वो भी लेके जाना, ठीक है? आप स्कूल का, इसका टाइम हो रहा था, सुबह सुबह जल्दी उठे थे हम कि स्कूल में इसको लेके जाएं टाइम से। आज हफ्ते का दिन था तो ड्रेस वगैरह इसको पूरी नहीं आई। तो जी अभी करता हूँ सर को फ़ोन और उनको बोलता हूँ कि जी सर ये दो नंबर पड़ गए क्या? क्या दो नंबर बड़ी? इसे दो नंबर बड़ी हो तो फोन करता हूँ सर को, उनको बोलता हूँ कि ड्रेस एक्सचेंज कर दे, आज का दिन तो इसका मिस हो गया। चलो जी विवश, मंडे के दिन जाएगा तो बस आज इसका स्कूल जो है मिस हो गया। अच्छा विवश, तो ड्रेस वगैरह मैं लेके गया था और वो सर को दे भी दी। सर ने बोला कि जी आज तो छुट्टी होने का टाइम है, 1:15 या 1:30 बजे मैं गया था। ऐसे था, सर ने बोला कल संडे है, कल भी छुट्टी है और परसों ये आपको मिलेगी। परसों मतलब मुझे ये लग रहा है कि परसों वाला दिन भी ज़ाया चला जाएगा, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। मैं उससे पहले ही इसकी ड्रेस अरेंज करवा दूंगा ताकि ये मंडे को स्कूल जा सके। तो स्टार्टिंग में अगर ऐसा रहेगा तो फिर आगे फिर अल्लाह ही हाफिज़ है ना। तो खैर अभी चलते हैं जी, अभी दोपहर का टाइम हुआ है तो अभी चलते हैं सब्जी वगैरह लेने। अरे नींद से उठ गया तू? हाय, दो पापा को खिलाओ, खिलाओ पापा को, पापा को खिलाओ, पापा को खिलाओ, पापा को खिलाओ, पापा को खिलाओ, पापा को खिलाओ। ये देखिए बस, वो कहना है बिस्किट नहीं देना, बाकी जान मंग लो जान दे दियांगा, बिस्किट नहीं दियांगा। इंजी ये मैं भी बस आपके में एक चीज़ दिखाता हूँ, जब मैं इसको बोलूँगा ना कि किसने, मतलब पंजाबी में बोलूँगा मम्मा ने मारा था या पापा ने मारा था, तो ऐसे करके ना ऐसे आँख को करेगा, देखना पप्पू मम्मा ने मारिया छी, मम्मा ने मारा था, देखा आपने भी बस कैसे, दोबारा बोल। मैंने मम्मा ने मार ली थी। नहीं नहीं सबल है, सबल। मैंने मम्मा ने मार ली थी, मैंने मम्मा ने मार ली, देखा आपने। लेके आना है आलू गाजर, आलू गाजर और गोभी,
गोभी, तुझे बोला था ना गोभी मैं नहीं खाता, आलू हो गया, गाजर हो गई, मटर हो गए और गोश्त ले आता हूँ, ठीक है? और टमाटर वगैरह तो नहीं? सारा कुछ ही आएगा, सारा कुछ ही आएगा। ये तो वो है माल्टे वाला है, नहीं आप बेटी आप नहीं करो, नहीं कुछ नहीं होता, नहीं नहीं वो है लेकिन कुछ नहीं होता पापा, तो छोटे बच्चे थोड़ी ना हो, देखा भी बस इसलिए बोलते हैं बेटियां बेटियां होती हैं। ये तो ऐसा हो रहा ही नहीं, मैं ये रस्सी खुद बांध लेती हूँ। अच्छा ये देखे किस तरह ये शूज को बंद करती है, इस तरह आज तक मुझे भी नहीं आया बंद करने, ये देखे आप, वाह जबरदस्त, थैंक यू, वेलकम। किस तरह लोग रिहाइश पजीर हैं ये देखें आप, ये देखें। अच्छा भी एक और बात मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ नहर खाली हो गई, ये देखें पानी आ गया, ये देखें ये नहर आपके सामने थी कि कितनी नीचे थी और कितनी खाली थी ये, और अब ये देखें। अच्छा भी बस तो यहाँ से मैं गुजर रहा था तो दोस्त थे बड़ा करीबी, ये मुझे मिला था अभी, क्या हाल है भाई, खैरियत से हो? सब्सक्राइब किया हुआ है ना हमारे चैनल को? जी जी, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ भी करो जी जी, शेयर मेरे चैनल को, और अपनी जो छानी है उसको भी मेरा चैनल दिखाओ। उसको भी बोलो सब्सक्राइब करे, भाभी को हमारी को, वैसे हमारी भाभियां तो बहुत है, ठीक है, उसमें से आपकी भी एक भाभी है। अच्छा हमको सिखा रही है, काफी दोस्त है ना तो उन्होंने छानी रखी होती है ना, अब तो हम तो शादीशुदा बंदे हैं भाई, तो हमारी तो छानी एक ही है जो घर बैठी है। अच्छा व्यूअर्स अभी मैं यहाँ से सब्जी ले रहा था तो मैंने डक्की भाई को देखा है, और एक नहीं है, एक दो तीन चार पाँच छः सात डक्की भाई है भाई, सात डक्की भाई, ये देखें। वाह जी वाह, डक्की भाई तो देखें भाई साहब, वो इतने सारे डक्की भाई यहाँ पे आ गए हो, भाईजान दे दो यार, आधा किलो ये कर दो भाईजान, अच्छी सी गाजर करना भाई, और आधा किलो आलू करना, सारा मट्टी। 2000 years later. भाई साहब ये क्या चीज है? मुर्गा है, कौन सा? तुर्की का मुर्गा, टर्की मुर्गा, ये देखिए। ये देखिए खरगोश, हाँ ये असल में ये होटल है इनका, हमारे घर के बिल्कुल बैक साइड पे ही है ये, तो यहाँ पे ये खाने पकाने के लिए जो है ये चीज़ें रखी जाती हैं, तो ये देखें। आ जाओ बच्चों आ जाओ, भला बुलबुल आ जा आ जा, उसके बाद खुले नहीं थे पैसे, तो उसको पैसे दे के फिर मुर्गी उठाते और चलते हैं जी घर। मैं यहाँ से गुजर रहा था, ये देखें मजनू बैठा हुआ है लैला के इंतज़ार में, और लैला इसको मिली नहीं है, लेकिन बेचारा अभी तक लैला की इंतजार कर रहा है, इंतजार करते करते गरीब की शलवार उतर गई है। वाड़े मजनू वाह। एक था तारा एक था सितारा, दोनों बचपन के साथी थे। यार पेड़ों से मुझे बड़ा डर लगता है ना यहाँ पे, पेड़ों से बड़ा डर लगता है मुझे, वो इसलिए वाइफ है ना उसने बोला पेड़ों पे जन्नत रहते हैं, अब जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ ना
तो ऐसे पेड़ों में ऐसे करके देखता जाता हूँ कोई जिन्नात ना टपक जाए। जी बस तो सब्जी में लेके आया था घर पे, और सब्जी हमारी चूल्हे पे चढ़ा दी है, सब्जी और गोश्त। तो बाकी अदरक वगैरह ये लहसुन कूटने वाला है, ये कूटती है, और जैसे ही खाना पक जाता है तो रोटी खाते हैं। अच्छा फाइनली भी बस सब्जी आ गई है पक्के जी, और रात का खाना खाने लगे हैं। ये देखिए आप सब्जी आपके सामने है, कितनी टेस्टी बनी है ये देखें। ब्लॉग को यही एंड करते हैं, तो उसके बाद खाते हैं रोटी। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।